नमस्कार, केपी टीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नम्रता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पुलिस उपायुक्त पश्चिम द्वारा थाना पनकी क्षेत्र अंतर्गत कानपुर झांसी रेलवे लाइन में ट्रक गिर जाने पर हुई दुर्घटना में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आज दिनांक 5/9/2024 को समय करीब 7 बजे NH2 पर गुजैनी पुल से ट्रक नंबर UP78AN5653 कानपुर झांसी रेलवे लाइन के ऊपर गिर गया था, जिस कारण ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। उक्त घटना में ट्रक चालक रामकिशोर पुत्र मंगूलाल निवासी ग्राम रहमतपुर कानपुर नगर उम्र लगभग 50 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत कार्य की समीक्षा की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ट्रक गिरा है, क्या घटना हुआ, किस तरह से रेस्क्यू आप लोगों को जारी है? देखिए, कानपुर झांसी लाइन पे गुजैनी पुल है, उसे एक ट्रक जो ड्राइवर लेकर के कानपुर से कालपी को जा रहा था जी, अब किस कारण से हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। और वो ट्रक नीचे गिर गया जिसमें ड्राइवर की डेथ हो गई है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाकी यहाँ पे ट्रक को आप देख रहे हैं हटवाया जा रहा है और लगभग हट चुका है। और बाकी रेलवे लाइन के बारे में तो रेलवे के अधिकारी ही बताएंगे, प्रथम दृष्टि देखने में तो ठीक ही लग रहा है। और मेरे ख्याल से जल्दी ही ये ट्रक चालू भी हो जाएगा। सर, चालक की शिनाख्त हो गई है जो मृतक थे कि हुई? हाँ, चालक की शिनाख्त हो गई है, कल्याणपुर के रहने वाले थे और जो परिजनों को सूचना भी मिली। अब ये तो देखिए PM के बाद ही पता चल पाएगा किस कारण से हुआ। बातचीत से ट्रक मालिक से पता चलेगा कितना जगह थे, कब से जगह थे, और PM के बाद आएगा। घटना के समय ट्रक में कितने लोग सवार थे? अकेले थे, अकेले थे। और ये हादसा हुआ है, घटना है, आपका चल रहा है और शीघ्र ही खत्म होने वाला है। ठीक है।